दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप मलिक आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ विद प्रदीप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है दोस्तों, मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम बन गई है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत से भाई हमारे बोलते हैं कि खाना खाते हैं, खाना हजम नहीं होता है, आते काम नहीं करती हैं, पेट गुम रहता है। बहुत से जो हमारे भाई हैं या बहनें हैं, उनकी शिकायत होती है कि खाना खाते ही लूज मोशन हो जाता है, खाना पचता नहीं है। या बहुत से हमारे जो भाई बहन हैं वो बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, खाना हजम नहीं होता है, खाते पेट में रखा रहता है, फ्रेश नहीं हो पाते। तो उनके लिए दोस्तों ये हाथों के मूवमेंट के लिए जो मैं आपको एक एक्सरसाइज, एक क्रिया, एक योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये आपके हाथों के मूवमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरता है इस योग को करने से, इस एक्सरसाइज को करने से। खाना हजम होता है, हाथों की वर्जिश के लिए, हाथों को मूवमेंट के लिए योग बहुत ही लाभदायक है। इससे 100% फायदा मिलता है दोस्तों, हाथें वर्क करने लगती हैं। एक तरह से ये हाथों की एक्सरसाइज है। जब हाथें हमारी सही होंगी तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, खाने का पाचन होगा, भूख अच्छी लगेगी और हमारे पेट की जो समस्या है उसे हमें छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बड़े ही सटीक अंदाज में इस वीडियो को देखना है। दोस्तों हमें ये तकिया मैंने लिया है, ये नाभि के बीच में ऐसे यहाँ रख रहा है और ये नाभि के बीच में ये आना चाहिए और फिर हमें ऐसे लेट जाना है। आप देखेंगे कि ऐसे लेटते ही और नाभि के नीचे तकिया रखने से ही हमारे हाथों में हरकत होने लगती है। दोस्तों इसके बाद हम अपने माउथ को, अपने चेहरे को दोनों हाथों से इस तरह से रख लेंगे जैसा आप देख रहे हैं और अपने पैरों को उठा लेंगे और दोस्तों अपने पैरों को हवा में ऐसे धीरे धीरे हिलाते हैं। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि जो हमारी आते हैं, ये जो हमारी आते हैं दोस्तों, इनकी एक्सरसाइज होने लगती है। जो हमारा पेट गुम होता है, बहुत से भाई बोलते हैं कि पेट का पता नहीं चलता, गुम रहता है, पेट फूलता है, उनके लिए ये योग बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों इस योग को हमें ऐसे करना है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, हाथों की एक्सरसाइज डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज होती है। ऐसा करने से हमारी आंतें नीचे से ऊपर की ओर एक्सरसाइज करने लगती हैं, ऐसे मूवमेंट करने लगती हैं। इस क्रिया को दोस्तों हमें कम से कम सुबह खाली पेट 5 मिनट करना है। आप देखेंगे इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। जिन भाई बहनों को डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, आते वर्क नहीं करती हैं, मोस्टली कॉमन समस्या है, पेट फूला रहता है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक एक्सरसाइज है, बहुत ही लाभदायक योग है। दोस्तों फिर दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं।
दाएं बाएं। ऐसा करने से भी दोस्तों हमारी जो आंतें हैं दाएं से बाएं की ओर चलने लगती हैं दोस्तों। नीचे कोई तकिया या कपड़ा लेने से दोस्तों हमारी आंतों पर जोर पड़ता है, आपको एक्सरसाइज करने लगती हैं, घूमने लगती हैं, वर्क करने लगती हैं दोस्तों। ये बहुत ही सरल वुमन एक्सरसाइज है जो हमारी बहनें, माताएं, हमारे भाई कोई भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से पेट पर बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता है। हर कोई ये एक्सरसाइज कर सकता है। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको अनुभव होता है कि हमारे आंतें रोल की तरह घूम रही हैं, आंतें चलने लगती हैं। बस ये एक्सरसाइज आपको दो तरह से करनी है। तो पहला स्टेप ये है ये पहला स्टेप हो गया दोस्तों। दूसरा स्टेप दोनों पैरों को एक साथ उठाकर बैक साइड से दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ये दूसरा स्टेप है दोस्तों। इस तरह से ये दोनों स्टेप बताए हैं। अगर आप इन दोनों एक्सरसाइज को करते हैं तो दोस्तों हमारी आंतें इधर से इधर की ओर चलने लगती है, इधर से इधर की ओर चलने लगती है। इनकी एक्सरसाइज राउंड वे चारों ओर होने लगती है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। ये जो हमारी आंतें हैं ये नीचे से ऊपर की ओर चलने लगती है, ऊपर से नीचे की ओर चलने लगती है, दाएं से बाएं की ओर चलने लगती है, बाएं से दाएं की ओर चलने लगती है। और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मजबूत होने लगता है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। मैं आपकी हेल्प के लिए रोज नई नई वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।